पीएम नरेंद्र मोदी छठी बार फ्रांस की यात्रा पर हैं। पीएम का ये फ्रांस दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्रांस भारत के सबसे भरोसेमंद और सबसे पुराने रणनीतिक साझेदारों में से एक है। दोनों देश अपने रणनीतिक संबंधों की 25वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। दरअसल भारत और फ्रांस ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत काफ़ी कुछ हासिल किया है। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण के वक्त भी जब कई देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगाए थे तो फ्रांस ने इसका विरोध किया था। यही रक्षा संबंध दोनों मुल्कों के रिश्तों की एक ठोस कड़ी भी है। 2018 से 2022 के बीच में फ्रांस भारत के लिए दूसरे सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर के तौर पर उभरा है। भारत के डिफेंस में कुल आयात में 29% हिस्सेदारी फ्रांस की है। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भी कई और रक्षा सौदे होने से दोनों देशों के बीच रक्षा व्यापार का आंकड़ा और ऊपर जाने का अनुमान है। फ्रांस से रक्षा व्यापार बढ़ने की एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध भी है क्योंकि इसके चलते रूस से आने वाली रक्षा सप्लाई में ब्रेक लग गया है। इसके साथ ही वहां की डिफेंस सप्लाई और मेंटेनेंस पर पहले की तरह भरोसा नहीं रह गया है, लेकिन फ्रांस की मदद से इन हालातों से निपटने में मदद मिलेगी। भारत और फ्रांस के करीब आने की एक और बड़ी वजह है भू राजनीतिक परिस्थितियों में आए बदलाव। ट्रांस अटलांटिक अलायंस सिस्टम में फ्रांस की स्थिति पहले से कमजोर हुई है। ब्रिटेन और अमेरिका की साझेदारी में अब फ्रांस का पुराना दबदबा नहीं रह गया है। खासतौर पर अफ्रीका में फ्रांस के गलत कदमों को देखते हुए उसकी अहमियत घटी है। इसका सबूत है 2021 में AUKUS का गठन, जिससे फ्रांस को बाहर रखा गया। लेकिन भारत के साथ रिश्ते मजबूत करते ही फ्रांस को इसका जवाब देने का मौका मिल गया। हालांकि इससे भारत को भी फायदा होगा, वो अब इंडो पैसिफिक जैसे क्षेत्रों में फ्रांस के साथ अपना सहयोग और बढ़ा सकता है। भारत और फ्रांस दोनों ही इस क्षेत्र पर चीन के प्रभाव बढ़ाने की हरकतों का विरोध करते हैं। भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक मोर्चे पर द्विपक्षीय संबंध अभी और मजबूत हो सकते हैं। 2022-23 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार महज 12.56 अरब डॉलर था। ऐसे में इसे बढ़ाने के लिए भारत यूरोपीय संघ FTA को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाना होगा और पीएम मोदी का ये फ्रांस दौरा दोनों देशों के आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को मजबूत बनाने में मददगार होगा।